नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद भारत और मैं हूं आपके साथ योगेश शर्मा। झारखंड के देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम में प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष और जमातवाड़ा विधायक इरफान अंसारी के मंदिर में घुसने के बाद मामले में से बवाल मच गया है, जहां गोड़ा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को ट्वीट कर इस पर विरोध जाहिर करते हुए कहा कि पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद और निर्जनी अखाड़े के महामंडलेश्वर कैलाश नंद ने मुझे फोन कर कहा कि इससे घोर बड़ा अनर्थ हो सकता है। साथ ही गोड़ा सांसद निशिकांत दुबे ने इरफान अंसारी पर धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है और कहा है कि जिस तरह काबा में गैर मुस्लिम नहीं जा सकते, ठीक उसी तरह बाबा वैद्यनाथ मंदिर में गैर हिंदू का प्रवेश नहीं हो सकता और कहा कि कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा कर हिंदुओं की धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ किया है। साथ ही सांसद ने झारखंड सरकार से विधायक पर रासुका लगाने की मांग की। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक ने बाबा वैद्यनाथ मंदिर पर विधि पूर्वक पूजा की थी, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। वहीं इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इरफान अंसारी ने ट्वीट कर कहा है कि बाबा भोलेनाथ के दरबार में हजारों बार गया हूं, लेकिन भगोड़े सांसद की नज़र में पहली बार आया हूं। और साथ ही विधायक ने कहा कि माँ पार्वती और शंकर भगवान जी के मंदिर का गठजोड़ हमारे पूर्वजों द्वारा बने हुए धागों से होता आ रहा है। साथ ही विधायक ने कहा कि बाबा नगरी मेरी जन्मस्थली है, निशिकांत दुबे संकीर्ण मानसिकता से मन दुखी हैं और बाबा नगरी मेरा घर आंगन है, कोई बाहरी नेता मुझे अपने घर से दूर नहीं कर सकता, बाबा मेरे हैं और मैं बाबा का भक्त हूँ, कोई निशिकांत धर्म का ठेकेदार ना बने। आपको बता दें कि झारखंड के मधुपुर में उपचुनाव के लिए 17 अप्रैल को वोटिंग होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज़। हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज़।